37 दफा दाबी नहीं 10 मिलित ट्रेड यूनियन आज भारत बंद डाकरा देसी। यही भारत बंद डाकरार प्रभाव राउरकेला सहर रे मध्य देखिवा को मिलिछि। जेहेतु राउरकेला एक शिल्प समृद्ध शहर आ शिल्प सहर ना रे परिचित, तेणु ये एठी जो ट्रेड यूनियन मानकर जो दबदबा रही से दबदबा निश्चित भाव अन्य सहर अपेक्षा अधिक देखिवा को मिले। तबे आज सका बिश्रा छक निकट रे जो रही मिलित ट्रेड यूनियन समस्त कर्मकर्ता माने समस्त सदस्य माने से आसी रोड ब्लॉक करछंती। आउ निहाती भाबे आपण देखि पड़ुथबे सीधा सळक दृश्य मु देखौछि आपणकु किभलि भाबे रास्ता रोक कराय छि। ए होछि बिश्रा छक सेक्टर तथा राउरकेला को समस्त मार्ग को जिबा पई ए होछि एक माने मुख्य छक कहिले चले। ते ए छक को माने ब्लॉक करछंती आउ कोनोसी गाड़ी घोड़ा को जिबा पई दउनांती। जो गाड़ी माने आछंती तांको फेरौछंती या रोक अटकौछंती। केवल आंबुलेंस किंबा अत्यावश्यक सेवा को छाड़ी देले अन्य कोनो समस्त गाड़ी चलाचल को बंद कराई। आप देखिपे लोक मैंने के लाइन लगे ढड़ा होती कहार की छड़ाऊनी। पुलिस कम करुच्छी पुलिस विक्षोभकारी मानक जगी तेज सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना कि लोकंर जो मैंने मिलित ट्रेड यूनियन नेता कौन रही दाबी तो कौन कह आज कौन रही जो श्रम आईन विरोध में कि कृषक आईन विरोध में जो 37 दफा दाबी कहते मुख्यतः कौन रही आपंकर दाबी। सदानंद साहू को सुनेली स्वप्न देखे मोदी क्षमता को आसला परे भारत बर्षर दरदाम वृद्धि अहेतुक भाव में दरदाम वृद्धि होती। आज प्याज किलो 80 टंका, आलू किलो 50 टंका, सोरस किलो लीटर 150 टंका रे पहुंची। आज राष्ट्रायत्त शिल्पर सुरक्षा कथा कही मोदी आज राष्ट्रायत्त शिल्प को गोड़ी माछ दर में बिक्री करुच। आज भारत बर्षर 2 कोटी युवक को निजुक्ति देवा कथा कही मोदी भारत बर्षर आज 20 कोटी बेकारी सृष्टि कर डिमोनेटाइजेशन फल भारत बर्षर लक्ष लक्ष कलकारखाना बंद हो खी खादान बंद हो तेणु एभली एक अवस्था भारत बर्षर लोक जत जनसाधारण जोबले आंदोलन करते पाकिस्तान भारत चाइना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कथा कौच आम कहवापी चाहूँ जो भारत बर्षर श्रमिक श्रेणी जो श्रमिक श्रेणी सुरक्षापी जो आईन आनी से आईन को आज भारत बर्ष सरकार आज परिवर्तन करी मालिक सपक्षवादी परिवर्तन करी। आज भारत बर्षर कृषक श्रेणी स्वार्थ विरुद्ध भारत बर्ष पार्लियामेंट रे आईन आसी भारत बर्षर शिक्षा विरुद्ध भारत बर्षर सरकार आईन आनी तेणु यह विरुद्ध आज राउरकेलार जो सर्वभारतीय धर्म को डाक जाए राउरकेलार आज संपूर्ण भाव सफल होती तेणु रेल बंद हो बीमा बंद हो बैंक बंद ऑफिस कोर्ट कचेरी सब बंद हो तो कौन कह सी आईन को विरोध करते दूर सफल हम आप बंद डाकर देखु ये हूँ आम जो आज आंदोलन करुचु धारणा दौचु एवं जो स्ट्राइक डाकर देचु ये हूँ श्रम आईन आउ कृषि आईन नुहे ये 140 कोटी जनता दाबी आज आसी 140 कोटी जनता आज अस्तव्यस्त हो गले वितस्त अवस्था पड़ रही। आप देखु जोबले इंडस्ट्री गुड़िक भारत सरकार कांग्रेस सरकार तैयारी करते आज इंडस्ट्री को बंद कर दि जाए बहुत बेकारी बढ़िले दर दाम वृद्धि होती एवं कृषि आईन परिवर्तन श्रम आईन परिवर्तन करुच्ची ये सब आईन विरुद्ध आम राजरास्ता को आसीचु अतीत बारंबार आम दाबी उपस्थापन करूँ ये केन्द्र सरकार शुणिले ना आज बाध्य आम भारत बंद डाकरा देलु ए भारत बंद को संपूर्ण भाव में सफल कले जनसाधारण आशा करुचु केन्द्र सरकार आगामी दिन में ये जनसाधारण दाबी प्रति सचेतनता हे और ये दाबी गुड़िक पूरण करेंगे जदि न करती आगामी दिन जो परिस्थिति सृष्टि हो केंद्र सरकार दायी रही आज आम सूचे दौ निश्चित भाव आगामी दिन में जी आप दाबी पूरण न हो आज यार विक्षोभ जारी रहा तो कौन कहे कौन रही आप बंद के सफल होती भावुन आज देखो मिलित केन्द्रीय ट्रेड यूनियन डाकरा जो बंद डाकरा दिया आज संपूर्ण राउरकेला सफल होती समस्त जान बाहन आज सका 6 प्राय बंद रही रास्ताघाट देखुं सुनसान स्वतस्फूत भाव में लोक मान समर्थन देखें लोक आज जो दाबी उपस्थापन कराइला मिलित केन्द्रीय ट्रेड यूनियन तरफ ये हूँ लोक मान दाबी आज नित्य व्यवहार जो जिनस देखु आप डाली कहतु तेल कहतु चाउ आलु कहतु पिज कहतु लोक आज हंतसंत लोकंर ज्वलत समस्या रही श्रम आईन व्यापक संशोधन करो थे सर्वनिम्न मजूरी मिलना 8 घंटा कम करते 12 घंटा बर्तमान कम करेंगे कौन से सामाजिक सुरक्षा रही एवं कृषक मानकर जो आईन रही संशोधन कराई आपणकर जो पण्य आईन अत्यावश्यक पण्य आईन थी जहाँ को आमेंडमेंट करदे द्वारा आज आलू पिज द्वारा आज देखो कि भाव में आज लोक गरीब लोकटे
କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଟିକେ ହେଲେ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଲେ ତାର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ବନ୍ଦ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଉରକେଲାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ରହିଛି, ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ନେତାମାନେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।